नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 7। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड्स के बारे में। तो बिटुमिनस रोड्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड्स के बारे में बताया था, और जैसा कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूर वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड में होता है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीड्यूर हम लोग जो है बिटुमिनस रोड के कंस्ट्रक्शन में भी फॉलो करते हैं। बस वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड्स और बिटुमिनस रोड में फर्क ये होता है कि बिटुमिनस रोड जो है वो वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड के ऊपर बनाया जाता है। जो हमारा वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड था ना, ऊपर से बस ऐसे ही खाली था, नंगा था, लेकिन बिटुमिनस रोड में क्या करते हैं हम लोग, वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड के ऊपर बिटुमिनस का कुछ मटेरियल डाल करके उसमें जो है हम लोग रोड रोलर से उसे कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो है हमारा बिटुमिनस रोड तैयार हो जाता है। और ये वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा भी होता है, टिकाऊ भी होता है। और अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो यार, जो हमारे कोई भी ग्रेवल रोड्स या फिर जो वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड्स या फिर कोई भी कच्चा रोड जो होता है ना, उसके ऊपर जब हम लोग कोई भी बिटुमिनस सर्फेसिंग चढ़ा देते हैं, एक बिटुमिनस का लेयर चढ़ा देते हैं ना, तो वो रोड हमारा बिटुमिनस रोड कहलाता है। यानी कि जो बिटुमिनस रोड होता है उसमें हमारा बिटुमिनस का सर्फेसिंग होता है। तो कोई भी ऐसा रोड जिसमें बिटुमिनस सर्फेसिंग है वो हमारा बिटुमिनस रोड्स है। और इंडिया में जनरली हम लोग बिटुमिनस रोड्स ही देखते हैं। और यार, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी सारे डेवलपिंग कंट्रीज आज की डेट में है, सभी जगह पर जो है आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वहाँ पर जो है बिटुमिनस सर्फेसिंग का रोड जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर ट्रेंड में आजकल चल रहा है। सभी जगह जो है आपको बिटुमिनस सर्फेसिंग का रोड ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू WBM रोड्स, या फिर WBM रोड्स तो वही है एक्चुअली, बिटुमिनस चढ़ा देते हैं, कंपेयर टू कंक्रीट रोड या फिर रबर रोड वगैरह होता है। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है ना, कहीं कहीं रबर का रोड बना हुआ रहता है, कहीं कहीं कंक्रीट का ही पूरा रोड बना हुआ रहता है। लेकिन इंडिया में या फिर कोई भी और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर आपको कॉमनली जो है बिटुमिनस सर्फेसिंग का रोड देखने को मिलेगा। तो यार, बिटुमिनस रोड्स के बारे में आगे जानने से पहले हमें ऐसे कुछ टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे हमें ये काम में आने वाला है, और आगे आप ये बार बार सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि जो बिटुमिन है वो एक्चुअली है क्या। तो बिटुमिन जो है वो दोस्तों एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, कार्बन का ही एक कंपाउंड है, जिसमें कि हमारा 85% ऑफ कार्बन, 12% ऑफ हाइड्रोजन एंड 3% ऑफ ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो बिटुमिनस होता है दोस्तों वो ब्लैकिश ब्राउन कलर में पाया जाता है, ये काफ़ी स्टिकी यानी कि चिपचिपा होता है, और ये सेमी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, विस्कस स्टेट में पाया जाता है। और यार, जो बिटुमिनस होते हैं ये नेचुरल स्टेट में भी कभी कभी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, और कभी कभार जो होता है इसे आर्टिफिशियली हम लोग रिफाइन करके बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एस्फाल्ट से बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि एस्फाल्ट आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, कई बार लोग जो है एस्फाल्ट और बिटुमिन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, बट दे आर नॉट द सेम। एस्फाल्ट एक्चुअली में एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसको डिस्टिलेशन के थ्रू क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से निकाला जाता है, और एस्फाल्ट में हमारा बिटुमिनस प्रेजेंट होता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए दोस्तों हम लोग चलिए टाइप्स ऑफ एस्फाल्ट में चलते हैं। तो हमारा जो एस्फाल्ट होता है वो जनरली टू टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा लेक एस्फाल्ट जो कि नेचुरल होता है, और एक होता है हमारा रॉक एस्फाल्ट। तो जो हमारा लेक एस्फाल्ट होता है ना दोस्तों, उसमें हमारा 70% ऑफ बिटुमिन प्रेजेंट होता है और 30% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। और जो हमारा रॉक एस्फाल्ट होता है ना दोस्तों, उसमें हमारा ओनली 20% ऑफ बिटुमिन प्रेजेंट होता है, और बाकी जो भी होता है वो सब रॉक स्टोन्स होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टर्म आता है कोल टार। कोल टार जो होता है दोस्तों वो कोल का यानी कि कोयला का ही एक बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू कोयला से निकालते हैं, कोल से ऑब्टेन करते हैं कोल गैस बनाने टाइम। तो दोस्तों जो कोल टार होता है उसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं टिम्बर्स को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, और साथ ही साथ इसको यूज़ किया जाता है रोड के कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। तो ये भी एज हमारा रोड के कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आ जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है कटबैक्स। तो कटबैक क्या होता है? कटबैक दोस्तों एक तरह का जनरली मिक्सचर होता है जो कि बनाया गया होता है एस्फाल्ट से और कुछ सॉल्वेंट्स को मिला करके, जिसमें कि हमारा 80% ऑफ एस्फाल्ट होता है और 20% ऑफ सॉल्वेंट होता है, और इनको मिला करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसको हम लोग कटबैक बोलते हैं,
और ये जो है एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिससे कि हमारा काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन होने लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा कट बैक। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म में जो कि हमारा इमल्शन। तो इमल्शंस क्या होता है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई दो लिक्विड आपस में घुलते नहीं है और उनको हम लोग आपस में मिक्स करने लगते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स वगैरह फॉर्म होने लगते हैं, डिस्प्रेस ड्रॉपलेट्स वगैरह फॉर्म होने लगते हैं और उसी मिक्सचर को हम लोग जो है इमल्शंस कहते हैं। तो जब हमारा दो लिक्विड आपस में घुल नहीं सकता है और उसे हम लोग जब मिक्स करने लगेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, ड्रॉपलेट्स फॉर्म होगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमल्शंस बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको सारे टर्म्स जो है क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रोड के कंस्ट्रक्शन में। कौन से रोड के, बिटुमिनस रोड्स के कंस्ट्रक्शन में। इन सभी टर्म्स को मैंने ऊपर ऊपर में आपको बता दिया है ताकि आपको आगे चल के इन वीडियोस में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने वीडियो के ऊपर जो है इनका फुल डिटेल वर्जन में जो है टेक्स्ट दिया हुआ है, आप उसे अगर पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। तो उन्हें भी आप थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड्स में। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं बिटुमिनस रोड्स एक्चुअली वैसा ही होता है, सेम प्रोसीड्यूर होता है कंस्ट्रक्शन का जैसे कि हमारा वाटर बॉर्न मेकाडेम रोड में था। अब इसमें हमारा क्या होता है कि हम लोग वाटर बॉर्न मेकाडेम रोड के ऊपर एक बिटुमिनस सर्फेसिंग चढ़ा देते हैं और उसे रोड रोलर से कॉम्पैक्ट कर देते हैं जिसके कारण हमारा जो रोड है वो बिटुमिनस रोड बन जाता है। तो चलिए देखते हैं ये आखिर किया कैसे जाता है। तो दोस्तों ये इतना भी सिंपल और आसान नहीं है कि बस बिटुमिनस का जो है हम लोग सरफेस चढ़ा दिए, रोड रोलर चला दिए तो हमारा बिटुमिनस रोड बन गया, तैयार हो गया, इतना भी आसान ये नहीं होता है। हमें सबसे पहले तो बिटुमिनस को प्रॉपर टेम्परेचर में पिघलाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विस्कस फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। तो इसीलिए हमें उसे पिघला कर सबसे पहले उसका मिक्सचर तैयार करना पड़ता है जो कि बनता है हमारा कट पैक्स और कुछ एग्रीगेट्स को मिला करके, और इससे हम लोग जो है बिटुमिनस सर्फेसिंग का शीट तैयार करते हैं। लेकिन 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 मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम लोग न्यू रोड बना रहे हैं तो हमें जो है सरफेस को पहले क्लीन करना पड़ता है और उसे पानी से थोड़ा भिगाना भी पड़ता है, और अगर वही पुराना रोड है तो सिर्फ हम लोग सरफेस को क्लीन करते हैं और उसके बाद सबसे पहले उसमें जो है हम लोग प्राइम कोट को डालते हैं। अब भाई ये प्राइम कोट क्या है, प्राइम कोट एक्चुअली दोस्तों बिटुमिनस का एक लिक्विड फॉर्म होता है, उसको हम लोग जो है एक तरह से जो हमने अभी अभी इमल्शंस के बारे में पढ़ा ना बिल्कुल वही होता है, उसको हम लोग जो है बिटुमिनस एंड कुछ सॉल्वेंट्स को मिला करके, फॉर एग्जांपल केरोसिन पेट्रोलियम वगैरह को मिला करके हम लोग इमल्शंस को तैयार करते हैं और उसको जो है हम लोग प्राइम कोट के तौर पर सरफेस पर सबसे पहले छिड़कते हैं। तो ये एक लिक्विड फॉर्म होता है, कह सकते हैं लिक्विड ही होता है, और इसको हम लोग पहले सरफेस पे अच्छे से छिड़कते हैं, सरफेस को इस चीज़ से ही गीला करते हैं ताकि जो है हमारा WBM और या फिर जो ग्रेवल है उसके ऊपर जो हम लोग बिटुमिनस चढ़ाने वाले हैं उसका जो बॉन्डिंग हो वो अच्छी तरह से बन सके, वो पकड़ अच्छी तरह से अपना बना सके, इसी के लिए जो है हम लोग प्राइम कोट को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों प्राइम कोट के बाद अब बारी आती है ट्रैक कोट डालने की। तो ट्रैक कोट क्या होता है, ट्रैक कोट वही होता है जो हमने अभी अभी कटबैक बनाया ना, बिटुमिनस मटेरियल बनाया ना मिक्स करके, गिट्टी पत्थर और बिटुमिनस वगैरह को मिक्स उक्स करके हमने जो कटबैक बनाया है उसी को हम लोग जो है वहाँ पर डालते हैं और हम लोग रोड रोलर फ्लैट व्हील रोलर वगैरह से उसे जो है रोल आउट करके उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पर जो रोलर होता है वो 8 टन से लेके 12 टन मेट्रिक टन तक के बीच का होना चाहिए, नहीं तो अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हमारे जो एग्रीगेट्स है वो हाईली क्रश्ड हो जाएंगे, होने के चांसेस है। तो इसलिए हम लोग जो है रोलर्स को मिनिमम जो है 8 टन और मैक्सिमम जो है 12 टन तक का ही यूज़ करते हैं बिटुमिनस रोड के कंस्ट्रक्शन में। अब वो भी डिपेंड करता है कि कैसा बिटुमिनस रोड है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो अलग ही टॉपिक हो जाएगा, तो वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ही ट्रैक कोट डाल दिया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं ट्रैक कोट किस तरह से डाला गया है, रोड रोलर चल रहा है उसके ऊपर। तो ट्रैक कोट डालने के बाद हम लोग फिर से एक उसमें लिक्विड स्प्रेड करते हैं जिसको बोला जाता है सील कोट। अब ये सील कोट क्या होता है, जैसा कि हमने पहले एक प्राइम कोट डाला था, प्राइम कोट जो है ग्रेवल्स या फिर WBM को बॉन्ड करता था हमारे बिटुमिनस सर्फेसिंग से, उसी तरह से अब जो हमारा बिटुमिनस सर्फेसिंग का ऊपर वाला लेयर होगा उसके भी कुछ ग्रेवल्स होंगे जो इधर उधर जो है निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनको जो है हम लोग एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए और उनको वाटरप्रूफ बनाने के लिए, रोड को वाटरप्रूफ बनाने के लिए हम लोग जो है
सील कोट को रोड में स्प्रेड करते हैं। इसको स्प्रेड किया जाता है ताकि हमारा जो है सारे ग्रेवल्स और जो भी हमारे रोड के स्टोन्स वगैरह है, जो एग्रीगेट्स वगैरह है, उनके बीच अच्छा बॉन्डिंग बन जाए। और बॉन्डिंग बनने के साथ ही साथ ये जो है वाटरप्रूफ भी बन जाता है, जिसके कारण हमारा जो रोड का लाइफ है वो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम लोग सील कोट को भी डालते हैं। सील कोट भी एक तरह से लिक्विड फॉर्म ही होता है बिटुमिनस का, उसको भी डाला जाता है अच्छे से ताकि जो है अच्छी तरह से बॉन्डिंग हो सके। अब क्योंकि सील कोट जो है वो बिटुमिन का बना हुआ है और बिटुमिन जो है वो थोड़ा चिपचिपा होता है, जल्दी सूखता नहीं है, जल्दी अच्छा से जो है हार्ड नहीं होता है, थोड़ा चिपचिपा फॉर्म का ही रहता है, विस्कस थोड़ा सेमी सॉलिड रहता है, तो उसको जो है जल्दी से हार्ड करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें ट्रैफिक को भी क्लियर करना पड़ता है, रोड को जो है ट्रैफिक के लिए खोलना पड़ता है। तो उसी के लिए हम लोग सील कोट के ऊपर एक और कोट डालते हैं जिसका नाम है सरफेस ड्रेसिंग। तो सरफेस ड्रेसिंग क्या होता है भाई? सरफेस ड्रेसिंग बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा जब रोड बन जाता है तो उसके ऊपर कुछ सैंड या फिर डस्ट वगैरह भी छिड़का जाता है ताकि हमारा जो है रोड अच्छी तरह से जल्दी सूख जाए और हमारा जो ट्रैफिक है उसको क्लियर किया जाए। तो हम लोग सरफेस ड्रेसिंग में सिंपली जो है कुछ डस्ट को या फिर बहुत ही फाइन एग्रीगेट्स को यूज़ करते हैं, सैंड वगैरह को यूज़ करते हैं और रोड में हम लोग उसे स्प्रेड कर देते हैं चारों ओर ताकि हमारा जो बिटुमिनस का चिपचिपापन है वो कम हो जाए और बॉन्डिंग भी पकड़ ले। क्योंकि यार जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वो ईजिली जो है पानी से रिमूव हो जाएंगे और रिमूव होने के साथ साथ जो है हमारा रोड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। रोड में तो कोई डस्ट पार्टिकल रहेगा नहीं, वो जो है टाइम के साथ साथ गाड़ी चलने के साथ साथ डस्ट जो है रिमूव हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो सील कोट है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, हमारा जो रोड है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, वाटरप्रूफ रहेगा और बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसे यूज़ करते हैं ताकि हमारा लाइफ जो है रोड का वो बढ़ सके, लाइफ लॉन्ग स्पैन हो सके। तो अब बारी आती है फिनिशिंग की। तो फिनिशिंग में कुछ नहीं है, हमारा जो रोड कंस्ट्रक्ट हो गया है वही हो गया है। बस इसमें एक फॉर्मेलिटी होता है कि हमें जो है रोड को 24 आवर्स तक ऐसे ही छोड़ देना है, 24 आवर्स तक उसमें जो है ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया जाता है और 24 आवर्स के बाद मॉर्निंग में जो है इंजीनियर्स वहाँ जाते हैं और रोड की पहले टेस्टिंग करते हैं कि ये रोड जो है फिलहाल कितना लोड कैरी कर सकता है और उसी हिसाब से उसका जो है हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड करते हैं और रोड को उतने ही वजन वाले व्हीकल्स को अलाउ करते हैं जितना कि रोड झेल पाएगा। तो इसको करने के लिए हम लोग जो है टेस्टिंग करते हैं, सुबह सुबह जाके वहाँ पर रोड को पहले तोड़ते हैं जितना हमारा वजन ले पाता है रोड, और लिमिट हो जाता है जिस लिमिट पे वो रोड टूट जाता है वही उसका लिमिट होता है होल्ड करने का, सिंपल सी बात है। तो यही होता है यार टेस्टिंग ऑफ रोड। और एक्चुअली यार हमें पता होता है कि रोड कितना लोड कैरी कर पाएगा पहले से, रोड बनने से ही पहले, क्योंकि हम लोग रोड को प्लानिंग करके बनाते हैं। टेस्टिंग तो इसलिए की जाती है ताकि हमारा जो रोड का प्लानिंग है उस तौर पर हमारा जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो हो पाया या नहीं, ये हम लोग देखने के लिए उसका टेस्टिंग करते हैं। बीच में कहीं कॉन्ट्रैक्टर ने घपलाबाजी तो नहीं किया है, इसको देखने के लिए टेस्टिंग करते हैं। तो यार बस यही था हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन। तो यार कुछ इसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग जो है बिटुमिनस रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। और जो बिटुमिनस रोड्स है जैसा कि आप लोग जानते हैं काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में आजकल यूज़ में लाए जा रहे हैं, डेवलप कंट्रीज़ भी इसे यूज़ करते हैं और इनका जो है लाइफ स्पैन मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए तो ही हम लोग इसे जो है गुड क्वालिटी रोड कहते हैं। तो मिनिमम लाइफ स्पैन जो है कोशिश करते हैं कि कम से कम जो है ये 6 मंथ्स तक तो अच्छा से चले, उसके बाद जो गड्ढा वड्ढा होगा उसको हम लोग बाद में 6 मंथ के बाद रिपेयर भी करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों जो है हमारा बिटुमिनस रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, काफ़ी अच्छा होता है ये और टिकाऊ भी होता है कंपेयर टू WPM रोड्स एंड ग्रेवल रोड्स। उनमें जो है खड़खड़ खड़खड़ गाड़ी चलता है और बहुत ज़्यादा डस्ट भी उड़ता है, लेकिन बिटुमिनस रोड जो है वो काफ़ी क्लीन होता है, गाड़ी चलने से ज़्यादा जो है हमारे डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट नहीं करते हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है। तो यही है दोस्तों बिटुमिनस रोड। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस न कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।